वेलकम बैक टू अवर चैनल दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम अमर है। गब्बर इस बैग का नेक्स्ट पार्ट है। लास्ट में भाई अस्पताल वालों के हमने जुल्म देखे, इतना हरामी है, पैसे चाहिए बस, इंसान की कदर ही नहीं है। और एक बेचारा बच्ची लेकर आया है भाई, बिल दे रहा है तो हरामियों ने बिल ले लिया और बाद में ऐसी खबर दे दी कि भाई औरत मर गई रात को ही। बड़े घटिया किस्म के लोग यार। अरे अम्मा साइन करिए तभी डेथ सर्टिफिकेट मिलेगा, यहाँ करिए। ये लो, ये शमशान में दे देना। चल रे, सब कुछ तो चूहे में उड़ा दिया, अब इन दोनों की परवरिश कैसे करूंगी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, सारे काम भगवान खुद नहीं करता, कुछ काम हम जैसे शैतानों के लिए छोड़ देता है। ये तीसरी मंजिल से गिर गए, उसके बाद कुछ बोल नहीं, कैसे भी करके इनको बचा लीजिए। नर्स, इनको इमरजेंसी वार्ड में ले जाओ और आप पहले एडमिशन फीस भरवा जाइए। आप पैसे की फिक्र मत कीजिए, मैं सब कुछ भर दूंगा, आप कैसे भी करके इनको। डोंट वरी, रिलैक्स रिलैक्स। इंश्योरेंस करवाया था अपने पति का? नहीं। आओ कराते हैं। ये मर चुका है, इज ऑलरेडी डेड डॉक्टर। लेकिन उनको थोड़ी मालूम, जब तक उनकी जेब में माल है तब तक इसमें जान है। शकुनी फेल है इसके आगे। स्टार्ट ट्रीटमेंट। बड़ा आला ये तो चीज़ आला। हालत बहुत खराब है, ये दवाइयाँ और इंजेक्शन से इन्हें अभी जाकर फार्मेसी से जल्दी लेकर आओ। क्विक क्विक क्विक, फार्मेसी का राइट में नर्स गिव मी ऑक्सीजन सिलेंडर राइट नाउ। 7300 जरा बिल पेशेंट के नाम पे बना, बलराम नागपाल। ठीक है। ये पेशेंट क्यों नाम है पागल है? इतना धीरे क्यों आ रहे हो? पता नहीं ये क्या इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि मेरे भाई की हालत इतनी बुरी है, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द डॉक्टर, ओके? आप वहां पर जाके बैठो। ये ले एक और लॉट, जा वापस कैंस को दे। यार धांधली बढ़ गया। आप भगवान को बुला लीजिए, बस उनको ठीक कर दीजिए। आर यू श्योर? श्योर। उनकी फीस 2,00,000 रुपए है। कोई बात नहीं। डॉक्टर वर्मा को फोन लगाओ। ये बाबा वो नहीं था पीके वाला, उसका छोटा भाई है। पेशेंट बलराम नागपाल के नाम। तो भाई बड़े डॉक्टर आ गए हैं, हम उन्हें बचा लेंगे। कैसे लोग हैं ये, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। अब आगे देखना क्या नाटक करते हैं। यार तुम लोग भी फंसवाओगे किसी दिन, ये बॉडी तो डिकम्पोज होना शुरू हो गई है, ज्यादा देर ड्रामा नहीं चल सकता। अरे सर, जब बकरा खुद हलाल होने आया है तो बिरयानी बनेगी भी और हम सब में बटेगी भी। इससे पहले देर हो जाए ड्रामा शुरू कर दो। अब ये नाटक खत्म होने वाला है। आपको वीडियो चलाना आता है फोन का? हाँ। अभी डॉक्टर साहब आएंगे, सिर्फ उन्हीं का वीडियो लेना, आएंगे मुंह लटका के बोलेंगे आई एम सॉरी द पेशेंट इज नो मोर। काश आप लोगों ने मुझे पहले बोला था। एक्सक्यूज जी डॉक्टर साहब,
आई एम सॉरी पेशेंट इज नो मोर, काश आप लोगों ने मुझे पहले बुला लिया। डॉक्टर साहब एक बार कोशिश करिए प्लीज। अरे समझने की कोशिश करो, ही इज डेड। सर आप स्पेशलिस्ट हैं, आप एक बार कोशिश करके देखिए। आप कैसी बात कर रहे हैं, ये कैसे इलाज करेंगे, वो मर चुका है। क्यों, मरो का इलाज नहीं होता क्या? Obviously, कोई मरे हुए का इलाज कैसे कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, ये पाटिल हॉस्पिटल है, मरे हुए का इलाज हो सकता है। आप पागल हो गए क्या? मरे हुए आदमी का कौन इलाज कर सकता है? क्यों नहीं हो सकता, मैं पागल हूँ? ये देखिए पढ़िए, ऐसे क्या लिखा है इसमें पढ़िए। डॉक्टर देशमुख सर्टिफाइड डेथ एट 11:25 AM पेशेंट्स नेम रामनाथ। जब पेशेंट मर गया है तो आप लोग अंदर बैठ के क्या अपने 6 घंटे बैंड बजा रहे थे? ये पेशेंट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं, ये इस हॉस्पिटल का डेथ सर्टिफिकेट है, समझे? तुम लोग पेशेंट को टोपी पहना सकते हो ना, तो मैं क्या फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता? कितनी चाहिए बोलो? क्या हुआ, सांसें रुक गई? स्पेशलिस्ट बुलाऊं? ये आपका बिल है, आप और 3 लाख रुपए ये बॉडी अभी कहीं नहीं जाएगी जब तक आप लोग 50 लाख का चेक शांति नागपाल के नाम का नहीं बना दोगे। चलिए आप लोगों का नाटक खत्म हो गया, बुलाएं अपने बॉस को, कम ऑन बॉस को बुलाएं, कम ऑन आउट आउट आउट। गुड शॉट, इतने पैसे मांग रहा है? सर वो थोड़ा सनकी है सर, कोई नहीं जानता उसे, बार बार यही कह रहा है कि अपने MD से मिलाओ, पैसे की बात उन्हीं से करूंगा। डैड एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। तुम्हारी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं दुबई से आऊँ, बड़े कम हो गए तुम, तुम्हारी प्रॉब्लम है तुम खुद ही सॉल्व करो। बुलाओ उसे। तो इन सारे एविडेंसेस के तुम्हें 50 लाख चाहिए, 50 लाख चेक शांति नागपाल के नाम, वाइफ ऑफ लेट बलराम नागपाल, 4,60,475 रुपए जो मैंने खर्च किया कैश। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। सीधी तरह पैसा दे वरना चाबी वाला ताला नहीं सील वाला ताला लगाऊंगा। सर ये 50 लाख का चेक और बाकी का कैश। ये लीजिए आपके पति के इंश्योरेंस का चेक, जानता हूं कि इन पैसों से जिंदगी खरीदी नहीं जा सकती लेकिन तकलीफें आसान जरूर हो जाती हैं थोड़ी बहुत, रख लीजिए। शुक्रिया, जो मेरे पति जीते जी नहीं कर पाए वो उन्होंने मरने के बाद कर दिया। आप लोग डॉक्टर हैं, लोगों की सेवा करना आपका धर्म है, ना कि उन लोगों को लूटना। शेम ऑन यू। I'm sorry. I just hate sorries. Thank you.
बॉस किया है सर, एक तो हमसे पैसे भी ले लिए और ऊपर से मीडिया को एविडेंस भी दे दिया। अरे गब्बर है। सब ने अपनी भड़ास निकाल ली भाई। यार ये भी गलत कर रहे हैं, हॉस्पिटल वाले ईमानदारी से काम करें, लोगों की जान बचाएं तो वैसे ही इनको पैसे मिलेंगे, वैसे ही इनको गवर्नमेंट भी हेल्प करेगी। अब अगर ऐसे बेईमानी करोगे यार, मुर्दों का भी इलाज करोगे, तो फिर तो भाई ऐसे गब्बर जैसे लोग आएंगे। और क्या एक्टिंग कर रहा था वो भाई हरामी जो टकला था। जल्दी करो, बड़ा डॉक्टर बुलाना है भाई, पेशेंट बहुत खतरे में। यार यार गब्बर ने भाई क्या काम किया है, मान गया यार इस गब्बर को यार, खिलाड़ी भैया हमारा। यार क्या बात है यार आपकी, मतलब एक तो इनको एक्सपोज भी कर दिया और गरीबों की हेल्प भी कर दी, 50 लाख की उनको दे दी। यार क्या बात है यार, मैं तो हैरान ही हो गया इन हॉस्पिटल वालों के। यार ये ऐसे करतूत होते हैं यार, ऐसे तो हमारे यहाँ भी बड़े ऐसे चूने लगते होंगे, हमें तो पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में ऐसे काम होते हैं यार। सच में हम समझते थे डॉक्टर बेचारे जान बचाते हैं, लेकिन उनका भी असली चेहरा इसने दिखा दिया कि डॉक्टर भी हरामी होते हैं, सारे जो भी है ना करप्ट होते हैं। ये वाला सीन तो अलग ही था भाई, आज हमारी आंखें खोल दी इस भाई साहब ने, गब्बर ने भाई, मजा आ गया। क्या ये डॉक्टर की भाई चालाकियाँ चल रही थी, बस जल्दी करो पैसे जमा करो भाई। क्या मुर्दे की भी ऑपरेशन हो रहा है भाई, हम बड़ा सर्जन बुला रहे हैं भाई, आप जल्दी पैसों का इंतजाम करो। कमीने भी बड़े हुए और कह रहे हैं कि भाई बकरा खुद हलाल है तो हम भी हलाल करने के लिए बैठे हैं। भाई साहब क्या यार इनकी चालाकियाँ है, मैं आज देख कर मैं तो ये कहूँगा सबको दिखाऊंगा अभी, ये वाला जो पार्ट है ना भाई, गब्बर ने भाई बड़ा कमाल कर दिया, 50 लाख भी निकाल दिए, इन सुअर को भाई मरवा भी दिया, लोग भी भाई सड़े हुए थे भाई, पूरे तपे हुए थे, इसको हरामी को मारा जो इंचार्ज था ना, बड़ा अच्छा हुआ, दिल खुश हो गया। और हमने विलन भी देखे, ये हॉस्पिटल वाले सेकेंड विलन है, ये वाले खून चूसते हैं लोगों का, पैसा भी देखो मुर्दे का ले रहे हैं भाई, उसको मरा हुआ है। 2 लाख वाला डॉक्टर मंगवाऊँ वहाँ भाई, मंगवा अर्जेंट ऑपरेशन होगा, वो भी साल अंदर आया झक मारे थे अंदर, गपशप चल रही थी और दवाइयाँ लेकर आया, वो भी पीछे थे वापस जा रही है। ये बड़ा वो टकला दूसरा पन्ना खा रहा था गाय की तरह, वो भी कुंभकर्ण की औलाद है ना, बड़ा बड़ा आराम ही भाई। बिल वाला फिर बिल भेज, वो तो नपुंसक है, 3 लाख का बिल भेज, वो बंदा मर गया है हरामी, बड़े हराम भाई। गब्बर ने इनको है ना अच्छा किया, इनको जलील कर दिया, और जो भीड़ थी भाई जनता भाई, उसने भी बड़ा भड़ास निकाली भाई, उनका है ना पैसा लूटा इन बड़ी हॉस्पिटलों ने ना। हाँ उसका जो बड़ा जो ओनर था पता जो भी था, उसको निपटा डाला ना, मजा आ गया था। गब्बर को मैं भी मान गया भाई, ये गब्बर भाई अस्पताल वालों की पोल खोल दी ना, हमें भी पता चल गया अस्पताल वाले अंदर क्या करते हैं, गपशप मारते हैं अंदर, मजाक हो रहा है, वो मरा हुआ है पहले से आया है मुर्दा, उसको गेम खेल रहे हैं, बड़ा भाई पैसे वाला डॉक्टर आएगा, 2 वाला वो भी आया है अंदर झक मार रहा है। सारे हरामी थे, मतलब डॉक्टर तो डॉक्टर, नर्सेस जो है वो भी हरामदादियाँ हैं, वो भी एक जगह से दवाई ली अंदर जाके और फिर उनको बोले वापस दवाई छोड़ के आओ। यार क्या काम है आपके यार, इलाज करवाने के लिए जो गरीब लोग आते हैं उनको तो वैसे ही परेशानी होती है कि बस इलाज हो जाए, फिर उस चक्कर में ये फायदा उठाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। गब्बर ने अच्छा किया इनको एक्सपोज करके, मज़ा आ गया भाई ये सीन देखा ना। क्या बात है यार गब्बर, ये बड़ा मैसेज था इसमें, स्पेशल मैसेज था।